सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम आज 110 की जो गणित पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 17.4 पढ़े। अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा है, समांतर मार्ग याद करना पड़ा था। इसमें देखो हमें इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं हमारी, वैसे तो 2 ही है मेन। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में देखो हमारे इसमें भी 2 प्रकार है, एक तो विचलन है और एक पद विचलन है। ये 3 विधियां हैं एक तरह से हमारे देखे तो, प्रत्यक्ष विचलन और पद विचलन। इस विचलन को कल्पित माध्य बोलते हैं और ये पद विचलन है। इसे प्रत्यक्ष में देखो हमने सूत्र पढ़ा है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद देखो अब आते हैं हम कल्पित माध्य में। कल्पित जैसे कि नाम से ही है कि कल्पना करनी है, मतलब हमें क्या है कि कुछ मानते हैं जो हमें हमारी मर्जी से मानना है। वो क्या मानना है हम जब सवाल करेंगे उसमें देखेंगे। तो इसका जो सूत्र है वो देखो ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये जो डी आई है ये विचलन है। अब जैसे ही ये आया अब इससे पद विचलन आ जाएगा, तो पद विचलन में देखो सेम इसी की तरह है, सिर्फ डी की जगह पे यहाँ कोई नया अक्षर आएगा उसको यू कहेंगे। और इसको गुणा करना है हमें एच से, तो ये आपके समांतर माध्य ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो, परंतु यदि नाम बोल दिया जाए कि कल्पित माध्य से करो तो फिर आप इन दोनों को लगा सकते हो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि पद विचलन से करो तो फिर आपको ये लगाना है, आपसे बोल दे प्रत्यक्ष विधि से करो तो ये लगाना है। और अगर आपसे कुछ नहीं बोले सिर्फ इतना बोले कि माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करो तो आप जो सीधा लगे आपको उससे आप कर सकते हो। अब हम देखो ये हम पढ़ चुके हैं, इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे इन दोनों से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इनसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम इससे करेंगे, ताकि आपके दोनों ही ये हो जाए। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 मैं लिखता हूँ, आप इसको नोट करेंगे। देखो ये प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1, इसमें बोला है आपसे कि कल्पित माध्य विधि से या कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन इसको कहते हैं, पूरा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं इनको बंटन कहते हैं। अब देखो यहाँ आपको x पहले से ही दिया हुआ है, अगर मान लो आपको ये जो है ये वर्ग के रूप में दे तो फिर हम x निकालते हैं। यहाँ x पहले से ही गिवन है तो हम सीधा ही अब सवाल करेंगे। तो इसमें देखो मैंने आपसे बोला है कि आपको d निकालना है, जब कल्पित माध्य है तो आप चाहो तो यहाँ अलग से क्वेश्चन करने से पहले साइड में फॉर्मूला लिख सकते हो, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस किस की आवश्यकता है। तो देखो इस फॉर्मूले से ये प्लस इनके पूरे के साथ है, यू है। फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि हमें ए की आवश्यकता है डी की आवश्यकता है। एक तो आप जानते हो ये यहाँ का है, चाहो तो इसको तो आप अलग से पहले ही जोड़ सकते हो, जोड़ लेना फिर मेरे को भी बता देना, मैं जोड़ लूंगा बाद में। अब पहले आप इधर देखते हैं, यहाँ देखो आपके पास है डी और ए, तो ए कहाँ से आएगा? देखो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, चाहो तो इनके आप आई ये मर्जी है अपनी होता है उसमें से। तो अब देखो हम निकालते हैं, तो यहाँ देखो सबसे पहले ए बराबर हम मानना पड़ेगा क्योंकि कल्पित माध्य है। कल्पित का मतलब कल्पना करनी है आपको आपकी मर्जी से, पर मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से मानेंगे। हमेशा जो ए होता है वो एक्स में से ही आता है, तो ये जो एक्स वाली लाइन है इसमें देखो जो संख्या बीच में है वो ए का मान होता है,
तो इसमें देखो तीन इधर से तो बीच में क्या बच गई, ये 900 बच गया। तो ये 900 ये आपके किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स में से ए को घटाना है, तो यहाँ एक से 800 और ए तो सब जगह 900 है, इसे 820 या 860 या 900 920 980 और 1000 अब देखो घटाने का आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ देखो 900 माइनस 900 जीरो, तो इस जीरो के ऊपर जो भी संख्या आएगी सब माइनस में आएगी, जीरो के नीचे जो भी है सब प्लस में आएगी। तो पहले प्लस वाले घटाओ, 920 में से 900 घटाएंगे 20 बचेगा, यहाँ 80 बचेगा और ये आपके पास यहाँ 100 बचेगा। अब ऐसे कैसे ऊपर घटाते हैं, देखो 900 में से 860 घटाएंगे 40, लेकिन काहे के माइनस के, यहाँ घटाएंगे तो 80 लेकिन ये भी माइनस के, और यहाँ घटाओगे तो 100 लेकिन ये माइनस के। ये आने के बाद देखो अब ये हमारे पास डी का मान आ चुका है, और डी का मान आने के बाद आपको यह सूत्र में पता है कि एफ और डी को गुणा करना है, तो इसका मतलब एफ और डी को हम गुणा करते हैं। तो ये एफ और गुणा में डी, तो यहाँ देखो ये तो 7 है और यहाँ डी का मान 1 है, तो ये माइनस के 7 हो गया और 2 जीरो की 2 जीरो। आप इस तरह ऊपर से स्टार्ट करो, अगर मेरी मानते हो तो नीचे से यहाँ करो 20 से स्टार्ट, 25 गुणा 0 0। अब 0 के ऊपर जो है सब माइनस, 0 के नीचे जो है सब प्लस, तो ऊपर की गुणा कर लेते हैं, 19 को 4 से करेंगे, 4 19 76 76, 14 को 8 से करो 112। अब यहाँ करते हैं देखो, 2 को 2 से करेंगे 4 और पीछे 2 0, 1 को 8 से करेंगे 8 पीछे 2 0, 5 को 1 से करेंगे 5 और पीछे 2 0। अब ये होने के बाद देखो, माइनस वाले को अलग जोड़ लो, प्लस वाले को अलग जोड़ लो। माइनस वाले को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 और 7 14, 14 और 11 25 और ये 60 और 20 80, ये हो गया 2580 माइनस का। नीचे की जोड़ेंगे तो देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17। अब आपको लग रहा है 2580 प्लस के माइनस के हैं और 1700 प्लस के हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको कटाना है। तो 2580 में से जब 1700 कटेगा तो देखो 80 तो ये आ गया, और 2500 में से 1700 कटाएंगे अपन तो ये 15 में 7 गए तो 8 9 8, और ये 880। अब देखो फॉर्मूले में मान जमाना है, एक बार और चेक कर लो, देखो जोड़ चेक कर लेते हैं, ये 0 6 2 8 7 और 1 8, 8 7 15 के 5 असल का 1 और ये, तो ये तो गया 2580। यहाँ देख लो 4 और 8 12 और 5 17 1700 घटाएंगे 880 आएगा। अब सूत्र में जमाते हैं, देखो ए का मान तो है आपके पास 900 प्लस ये जो है ये हमारे पास आया है माइनस के 880 बटे में, देखो यहाँ इनको जोड़ते हैं, देखो 25 और 5 30 30 और 30 60 60 के बाद एक इधर लाओ 20 तो ये और 6 इधर लाओ 20 ही, 60 और 40 ये हो गया आपके पास 100। देखो हमारे पास आप कहेंगे जो ये मेरा फोन मेरा यार है, लक्ष्मी लगा दो।
900 इधर देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 8.80। तो 900 में से 8.80 कटा लेंगे, तो देखो कटाएंगे ऐसे, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है अपने पास तो जीरो लगा लो, और यहाँ है 0.8, तो देखो 0, 2 और यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बच गया 9 और ये 8, तो हमारा आंसर आया 891.20। इसको नोट करें, देखो अब हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3, इसके पहले जो दे रखा था उसमें सीधा x दे रखा था, f दे रखा था, और हमें कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात किया है। कल्पित माध्य में भी सेकंड वाली फर्स्ट वाली विधि से हमने किया, इसको भी हम फर्स्ट वाली विधि से करेंगे। इसके बाद के जो भी प्रश्न करेंगे फिर वो सेकंड वाली विधि से करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, तो इसमें देखो इसमें अब आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, तो आपको पता है माध्य ज्ञात करने में अगर वर्ग अंतराल दे रखा है तो सबसे पहले x ज्ञात करते हैं, तो इसका x ज्ञात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास x नहीं है। और x ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका एक तो ये बताया है मैंने कि दोनों को जोड़ के दो का भाग दो, तो 100 और 150 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये होता है 250, और 250 का जब आधा करते हैं तो ये आता है आपका 125। फिर इनको भी ऐसे ही करोगे, 200 और 150 को जोड़ेंगे तो 350 और आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 175। सब ऐसे करने हैं, लेकिन ऐसे इससे भी आसान तरीका एक और है, इधर देखो सब में आपको लग रहा होगा 50 का अंतर है, इन सब संख्याओं में जो है अंतर कितने का है 50 का, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अंतर में 2 का भाग दो मतलब उनका आधा करो, तो 50 का अंतर कितना हो गया, इनका अंतर है 50, 2 का भाग देंगे तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा 25, और आगे वाली संख्या जोड़ दो। अब आगे कितनी है देखो, यहाँ 25 अंतर आया, इसमें जोड़ोगे 125, इसमें जोड़ोगे 175, इसमें जोड़ोगे 225, फिर ये 275, फिर ये 325, फिर ये 375, फिर ये 425 और ये 475, तो ये इससे इस वाले से और जल्दी आपके x का मान आ जाएगा। नहीं तो सब जो बुक में है जो तरीका है मेन तो वो यही है कि दोनों को जोड़ो और दो का भाग दो, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, ये तरीका है आपको x का मान निकालने का। तो आप इससे जो इजी लगे तो ये करना, और इससे भी इजी ये है कि आपको सिर्फ एक ही बार आधा करना है अंतर का, और फिर सब में जोड़ते जाओ आगे वाली जो निम्न सीमा है इनकी, इनमें सब में जोड़ दो तो तुरंत आपके पास ये आ जाएगा, और ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ जोड़ोगे 300 और 350 फिर उसका आधा करोगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे बढ़िया है कि एक बार संख्या का आधा कर दो अंतर का, अंतर आ रहा है देखो सब में 50 तो 50 का आधा करो 25 हो गया, और सब में 25 जोड़ दिया जाओ इसमें आपका ही आ जाएगा। अब देखो x निकल गया, x के बाद आगे देखते हैं हम, आपको पता है d निकालना है, तो d का मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया था सूत्र, इस तरह होता है x माइनस a, और जो ये a वो a मैंने आपको समझाया था इसमें कि x में से निकलता है, तो x में देखो बीच में संख्या कौन सी है, अब ये संख्या 8 है तो बीच में दो संख्या आएगी, 3 इधर से खत्म होगी 3 ऊपर से होगी, तो ये दो संख्या आपके पास बीच में बची, तो जब इस कंडीशन में दो संख्या बचे तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को a का मान मानना है, तो ऊपर हमारे पास है 275, तो हम a का मान इसको मानेंगे 275 को, तो इसका मतलब ये हो गया अब आपको x में से 275 घटाना है, तो यहाँ सब में 275 घटा दो, ये जितनी भी x की संख्या है उन सब में से हमें 275 घटाना है। अब इसमें देखो घटाने का तरीका भी आसान वाला, आपको सिर्फ ये देखना है कि जीरो कहाँ हो रहा है, तो जहाँ 275 अपन ने लिया है उसकी जगह पे यहाँ आएगा जीरो,
तो इससे नीचे जो भी आएगा सब प्लस में आएगी, इससे ऊपर जो भी जाएगा सब माइनस में जाएगा। तो पहले नीचे घटा देते हैं अपन, यहाँ घटाओ फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो यहाँ देखो यहाँ तो आ रहा है 100, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आएगा 150 और ये हो जाएगा 200। तो ये की ये संख्या ऊपर आएगी सिर्फ माइनस में। यहाँ देखो घटाओ इनको, 50 आ रहा है, यहाँ घटाओगे 100 आ रहा है और यहाँ घटाओगे तो 150 आ रहा है। तो सब सिर्फ काई में आ रही है माइनस में। अब गुणा करते हैं, आपको पता है हम जो प्रत्यक्ष विधि से करते हैं वो इन दोनों को ही गुणा करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो 275 को 28 से गुणा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी टाइम को कम करने के लिए आपके सामने ये नई विधि है। इसमें देखो अब गुणा किसको करते हैं हम, एफ और डी को। तो डी आपके पास संख्या ऐसी है जो आप इजी से गुणा कर सकते हो। देखो यहाँ 24 है, यहाँ 15 है, गुणा कर सकते हो। 40 को 100 से गुणा कर सकते हो, 33 को 50 से कर सकते हो। तो अब जो संख्या है अब इजी संख्या है, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या नहीं है कि आप गुणा नहीं कर सकते। अब हम देखो स्टार्ट करते हैं गुणा करना। सबसे पहले यहाँ जीरो पे आओ आप, 28 को 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगर आपको लगे कि मैं गलत गुणा नहीं कर लूँ तो आप चाहो तो इनको लिख सकते हो इस तरह, 24 गुणा 150, 40 गुणा 100, 33 गुणा माइनस 50, फिर 28 गुणा 0, यहाँ है 30 गुणा 50, ये है 22 गुणा 100, ये है 16 गुणा 150 और ये 7 गुणा 200। अब देखो गुणा करते हैं, पहले वो जो इजी लगे, ये देखो फटाफट हो जाएगा। ये तो जीरो, 5 3 15, एक जीरो इसके, एक जीरो इसके, कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। यहाँ देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 और 3 जीरो। नीचे आ जाओ, ये भी 15, सॉरी यहाँ 3 है, 35 है, तो ये फिर 165 आ जाएगा। एक जीरो और ये 165। यहाँ देखो 22 को 1 से गुणा करोगे, 2200, 7 को 200 करोगे, 14 और 2 जीरो। यहाँ देखो ये 16 है, ये 15 है। जब भी इस तरह लगातार वाली संख्या होती है, किसी भी एक संख्या का स्क्वायर करके उसमें उसी संख्या को जोड़ दो, तो 15 का स्क्वायर 225, 15 जोड़ोगे 240। आपको 15-16 को गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ो, ऊपर ही ऊपर बच रही है अब हमारे पास। यहाँ देखो 24 को पहले 10 से गुणा करो, या ऐसा करो 15 को 20 से करो, ये हो गया 300। फिर 15 को 4 से करो, ये हो गया 60, तो ये आ गया 360 और ये जीरो, ये गुणा हो गया पूरा। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि जीरो के ऊपर माइनस में, जीरो के नीचे प्लस में। तो पहले नीचे वाली जोड़ लो फिर ऊपर वाली जोड़ लो, सिग्मा एफ आई डी आई। तो पहले प्लस वाली जोड़ लो, जो था आपकी अच्छा लगे, जो सुविधा आपकी उसके अनुसार कर सकते। तो देखो जोड़ते हैं, 4 4 8 2 10, 5 15, पहले 2 0 2 0, 15 के 5, 8 का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, ऊपर वाली जोड़ो। देखो यहाँ 4 3 7 और 1 8, 0 5 2 8 1 9 हो गए। देखो 0 की 0, ये 5, 6 और 6 12 के 2, 80 का 1, तो 4 4 8 1 और 1 हो गया 9। तो 9,225 में से 7,500 आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं, देखो 0, ये 5, यहाँ 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ 8 में से 7 गया तो 1, और आया का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का आ गया। अब हम इसी मानों को देखो, यहाँ अभी एफ भी बाकी है तो एफ को भी जोड़ो। अब एफ को जोड़ते हैं, देखो इधर 22 और 28, ये हो गया 50, 50 और 30, ये हो गया 80,
80 और 40, 120, 120 और 40, 120 और 40, 160 और 24 और 16, ये भी 40, तो 160 और 40 ये हो गया आपके पास 200। अगर एक एक संख्या जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। तो देखो अब सूत्र में मान जमाते हैं। सूत्र है हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखो a का मान हमने माना है 275 प्लस ये आया है हमारे 1750 बटा में 200, 10 से 10 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस 175 में 20 का भाग दे लो, देखो ये आएगा 8 × 16 = 15, 7 × 5, तो ये आ गया हमारे 8.75। जब इसको घटाएंगे तो देखो ये तो 25 और ये घटा लो 8, 17 × 8 के तो 6, तो ये आ जाएगा 256.25। तो ये है आपका समांतर माध्य। इसको देखो एक बार हल्का सा और देख ले, जब भी वर्ग मिलेगा सबसे पहले x निकालेंगे, x निकालने के बाद a मानेंगे, a मानना मैंने आपको बताया है कि बीच में जो संख्या बचेगी वो a का मान होती है, लेकिन यहाँ बीच में आपके पास दो बच रहा है तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या है वो a का मान लेंगे। लेने के बाद हमें घटाना है, घटाने के बाद f के साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जीरो के ऊपर की अलग जोड़नी है, जीरो के नीचे की अलग जोड़नी है, जोड़ने के बाद दोनों को घटाना है। अब घटाने के बाद ये देखना है कि बड़ी कौन है, अगर माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाना है, प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगाना है। ये लगाने के बाद सूत्र में मान जमाना है 275, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक कि पीछे वाली पूरी सोल्व हो जाए। तो ये हमने सोल्व करी 8.75 आया, अब इसके बाद सिर्फ घटाना है तो घटा लो, ये आपका आंसर हो गया। अब अगले उसमें पढ़ेंगे, तो इसके अलावा जो मैंने किसमें क्वेश्चन छोड़ा है, एक तो दूसरा और एक चौथा, तो ये आपको इस विधि से सोल्व करना है, और इसके बाद हम पांचवे से पढ़ेंगे, जो अगली विधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।